आपको तो पता होगा इस्लाम में म्यूजिक सुनना हराम है, लेकिन क्या आप जानते हैं म्यूजिक दुनिया में शुरू कैसे हुआ? ये शुरू हुआ आदम अलैहिस्सलाम के वक्त में। काबिल ने जब हाबिल का कत्ल किया तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक और नेक औलाद के तौर पे शयत अलैहिस्सलाम से नवाजा। शयत अलैहिस्सलाम और उनके लोग पहाड़ों में रहते थे और काबिल अपने कुछ साथियों के साथ नीचे वादियों में रहने के लिए अलग हो गया। इबलीस का तो काम ही था इंसान को बहकाना। एक दिन वो इंसान की शक्ल में काबिल और उसके लोगों के पास गया, ये कहते हुए कि वो पहाड़ों के लोगों में से है और अब वो काबिल के साथ रहना चाहता है। काबिल ने उसे अपने लोगों में शामिल कर लिया। फिर एक दिन शैतान ने बांसुरी जैसा कुछ बनाया और उसमें हवा फूंक के आवाजें निकालने लगा। ये आवाजें काबिल के लोगों को पसंद आने लगी और वो सब बैठ के सुनने लगे। फिर शैतान ने ऐसे ही कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और वो लोग म्यूजिक बजा के गाने लगे। हफ्ते में एक दिन काबिल के लोग महफिल जमा कर नाच गाना करते। आज के दिन भी लोग सैटरडे नाइट नाच गाना करके पार्टी करते हैं। म्यूजिक शैतान का हथियार है इंसान को कंट्रोल करने के लिए। आप खुद ही देख सकते हैं म्यूजिक सुनते ही आपके हाथ, उंगलियां या सर हिलने लगता है। यही शैतान का कंट्रोल है। अब आप खुद डिसाइड करें, क्या आप शैतान के कंट्रोल में आकर जहन्नुम जाना चाहते हैं? अल्लाह हम सबकी शैतान के बहकावे से हिफाजत फरमाएं।